गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। सो वी आर डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3, जिसमें से हमने नर्नस इक्वेशन क्या होती है वो हमने समझ ली थी, बट इसकी कुछ एप्लीकेशन होती है। जो नर्नस इक्वेशन होती है वो किन किन टर्म्स पे होती है? ओके, तो फर्स्ट जो हमारी तीन तीन टर्म्स में होती है, मतलब एप्लीकेशन जो होती है नर्नस इक्वेशन की, तीन प्रकार की होती है। एक तो ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ कंसंट्रेशन पता करने के लिए भी नर्नस इक्वेशन का नर्नस इक्वेशन की जाती है। ओके, स्टडी करने के लिए ईएमएफ की, कि सेल का ईएमएफ क्या है वो पता करने के लिए। इक्विलिब्रियम ऑफ कांस्टेंट पता करने के लिए भी नर्नस इक्वेशन करी जाती है, और गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी हमको नर्नस इक्वेशन यूज होती है। ओके, तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? तीन होती है। एक तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए होती है, ईएमएफ ऑफ द सेल स्टडी बाय दिस इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ द सेल। सेकेंड है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्स्टेंट बाय दिस इक्वेशन, ये यहाँ पे देख सकते हो। और लास्ट जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो इन तीन प्रकार से हम इसकी एप्लीकेशन नर्नस इक्वेशन की है। ओके, अब हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा है ईएमएफ ऑफ द सेल, कैसे स्टडी करेंगे इक्वेशन से, नर्नस इक्वेशन से, वो हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल्स की तरह। सो आपकी बुक में ही एक एग्जांपल दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दे रखा है, राइट डाउन द नर्नस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल 298 केल्विन एंड कैलकुलेट इट्स ईएमएफ। इसका ईएमएफ निकालना है। अब हमको दे रखा है सीयू, सीयू 2+ में हुआ, तो इसका जो हमको मोलर दे रखा है 0.012, और एजी है उसका कितना दे रखा है 10^-3 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दे रखा है ईनोड सेल सीयू 2+ से सीयू की वैल्यू क्या दे रखी है 0.3 वोल्ट, जो हमको पहले भी पता है, हमने ये कर चुके। और एजी की दे रखी है 0.80 वोल्ट दे रखी है। अब इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रही है एनोड और कैथोड, हमने देखा। ओके, ये आपको दोनों इक्वेशन दी हुई है, जिसमें हाफ में ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाफ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब की सेल इक्वेशन बना ली हमने। अब जो हमारी नर्नस इक्वेशन वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्या हो रही, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, ये आपकी जो हमने यहाँ पर देखी थी लास्ट वाली, वो वाली पुट कर दी हमने इक्वेशन, ये वाली आपने देखी थी, ये नर्नस इक्वेशन में हमने पढ़ा था, इसमें पुट कर दी, और हम चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हैं। ओके, हम उसमें भी पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ आर टी एफ इन सब की वैल्यूज हमारे पास पूरी नहीं है, लेकिन ये जो है ना, इसमें हमने आर टी और एफ इनकी वैल्यू सब फाइंड करके यहाँ पर पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमको ज्यादा टिपिकल डिफिकल्टीज नहीं आ सकती, इसलिए हम डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन भी रख सकते हैं। हमने ये इक्वेशन वहां रख दी। ओके, लॉग 10 यहाँ पे क्या रख दिया, जो हमारा मोल था सीयू अपॉन में एजी जो रिएक्टेंट होता है। ओके, उन दोनों की वैल्यू रख दी, टेम्परेचर इतना दे रखा है जो हमने यहाँ पे पुट कर ही दिया था। अब हम ई नोट सेल कैसे फाइंड करते हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये हमने देखा था अभी, कैथोड की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है कैथोड पे कौन था, ये था एजी सिल्वर, और एनोड पे कौन था, ये था, इसको भी हमने वहां पर जब मैंने आपको गैल्विन सेल पढ़ाया था, ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तब मैंने आपको ये चीज समझाई थी, इन दोनों की इक्वेशन। ओके, तो हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ईनोड सेल की वैल्यू कितने आ गई, 0.46 वोल्ट दे रखी है। ओके, फिर हमने यही वैल्यू यहाँ पर ईनोड सेल की यहाँ पे पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ पर क्या रखी, यहाँ पर सीयू 2+ की वैल्यू दे रखी है 0.01, तो हमने यहाँ रख दी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 10^-3 जो हमने यहाँ रख दी, और इसमें क्या होता है, यहाँ नीचे वाली पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ आप फॉर्मूले में देख सकते हो। वन अपॉन एम एन प्लस, जो जो वैल्यू यहाँ पर जो भी रहता है उसका प्लस कर दिया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, 2 चार्ज आ गया। ओके, ये रखने के बाद में हमने इसको
सॉल्व करा तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.312 वॉट। तो इस प्रकार से हमने क्या फाइंड कर सकते, ईएमएफ ऑफ द सेल, क्या फाइंड कर सकते, ईएमएफ ऑफ द सेल। इस प्रकार से हम ईएमएफ फाइंड कर सकते। नेक्स्ट है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नंस इक्वेशन। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो भी हम नंस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पर आया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ओके, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होता है, जैसे कि हमने जिंक और कॉपर का हमने देखा था, गैल्विनिक सेल पढ़ा था, उसमें हमने ये दोनों की इक्वेशन पढ़ी थी। ओके, कि दोनों कैसे वर्क करते हैं, तो हमने देखा था दो हाफ सेल रहती है, एक में ऑक्सीडेशन होता है और एक में रिडक्शन होता है। तो क्या होता है, जो कॉपर के आयन टूट के किधर चले जाते हैं, जिंक पे चले जाते हैं। ओके, तो जो कॉपर होती है वो लूज करने लग जाती है और जिंक क्या होती है, मोटी हो जाती है, उस पर बहुत सारा आते हैं। लेकिन ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास जाते जाते एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारी जो ईएमएफ होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, जीरो हो जाती है, मतलब वहां पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होती। ये भी मैंने आपको समझाया था कि वहां पे एक टाइम ऐसा आता है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों बंद हो जाता है, तो जो टाइम होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हो जाती है, मतलब दोनों रिएक्शन क्या हो जाती है, हाफ सेल की कॉन्स्टेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। एट इक्विलिब्रियम दिस रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम जीरो। क्या होती है, ये फुल हो जाती है, तब क्या होती है, रिवर्सिबल होने लग जाती है, इधर से इधर ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, उधर रिडक्शन होने लग जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाते हैं, उस टाइम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। जैसे जिंक सॉलिड था, एक्वस में टूटा, फिर ये ऐसे होने लग जाते हैं और ये सॉलिड, फिर वापस से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, जिंक से जिंक सॉलिड बन जाता है और कॉपर सॉलिड से कॉपर एक्वस बनने लग जाता है, रिवर्सिबल हो जाती है। ओके, नंस इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्शन कैसे करेंगे, हमने नंस इक्वेशन लिख दी जो हमने देखी थी, यहाँ पे दोनों लिख दिए, मैटर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अपॉन में लिख दिए। अब जो हमने देखा कि केसी मीन्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, अब केसी क्या हो जाता है, हमारी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये दोनों ही क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट हो जाती है, ये रुक जाती है और फिर वापस से रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, तो उसी चक्कर में दोनों ही क्या होती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, तब इसको क्या बोलते हैं, केसी, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हो जाते हैं एक जगह पे। ठीक है ना, तो फिर वापस से रिवर्सिबल स्टार्ट होती है, तो उसको बोलते हैं केसी। तो यहाँ पर हम इन दोनों की जगह पे हम केसी डिनोट कर सकते हैं। ओके, फिर हमने यहाँ पर क्या, और ई से ई जो होता है, ईएमएफ क्या होता है, जीरो हो जाता है। जीरो क्यों हो जाता है, दोनों उस जगह पे क्या हो जाती है, रुक जाती है, रुक, कॉन्स्टेंट मतलब जीरो हो जाना, कोई वर्क ही नहीं हो रहा, कोई प्रोसेस नहीं हो रही, तो ई सेल क्या हो जाती है हमारी, जीरो। तो हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, हमने इन सब की वैल्यू रख दी, लोग की लोग लोग यहाँ पे वैल्यू रखती है 2.303 और ये इसको वहां ले गए, तो यहाँ पे ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और लोग 10 केसी लिख दिया। तो हम इस प्रकार से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो हम इन सब की वैल्यू पुट कर सकते हैं न्यूमेरिकल से, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं नॉन्स इक्वेशन के द्वारा। अब जो आता है लास्ट, क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज टू ईएमएफ ऑफ अ सेल। जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो ईएमएफ ऑफ द सेल में कैसे चेंज होती है। गिब्स फ्री एनर्जी हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 11 सॉरी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो होती है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और जो डेल जी होता है वो लेस देन जीरो होता है, तब कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल जी इज इक्वल टू जीरो होती है, वो कौन सी होती है, रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाती है। ये हमने तीन प्रोसेस हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो कि गिब्स फ्री एनर्जी हमने उसमें पूरा पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस इन अ सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल रिएक्शन में,
वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू चेंज इन फ्री एनर्जी. जो फ्री एनर्जी होती है गिव्स फ्री एनर्जी, उसको चेंज कर देता है. जो वर्क हमने करा है उसको गिव्स फ्री एनर्जी में. वर्क डन बाय द सेल डिक्रीज इन फ्री एनर्जी. जो वर्क हम सेल पे डन करते हैं वो कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है. फ्री एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है. वर्क डन बाय द सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है. अगर हम किसी सेल पे वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. इसको कैसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटू EMF. तो ये कैसे टर्म में आ जाती है, NFE सेल, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड EMF. ये ई सेल मतलब EMF. N क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने बोल दिया कॉपर के इधर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ओके, इस टाइप से. और F क्या है, फेराडेस कॉन्स्टेंट हो गया. और ई सेल क्या है, EMF हो गया. तीनों चीज आपके समझ में आ गई. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे Cu2+ से इधर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये 2 क्या हो गए, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हमारे पार्टिसिपेट ले रहे हैं. और F क्या है, फेराडेस कॉन्स्टेंट होता है, उसकी कुछ वैल्यूज भी होती है फेराडेस कॉन्स्टेंट की. और ई सेल क्या होती है, EMF. ओके, ये हमने समझ रखा. अब जो हमारा डेल जी होता है वो ई सेल होता है, उसकी क्या होता है, बराबर नहीं होता है. जैसे अगर हमारा डेल जी अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ई सेल कैसे होगी, पॉजिटिव. और अगर डेल जी हमारा पॉजिटिव है तो ई सेल कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. ओके, ये चीज आपको याद रखना है. डेल जी पॉजिटिव है तो ई सेल कैसी होगी, नेगेटिव. और डेल जी नेगेटिव है तो ई सेल कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है. ओके, मीन्स साइन इज यूज ड्यू टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी. यहाँ पे क्या माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ओके, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, नॉट फॉर्म में लिखना है. डेल जी नॉट हो रहा है तो यहाँ पे भी ई सेल भी क्या हो जाएगी, नॉट हो जाएगी, ई नॉट सेल हो जाएगी. अब ई नॉट सेल क्या होती है, स्टैंडर्ड EMF होता है. ओके, अब इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी. ये हम वैल्यू यहाँ ऊपर भी देखा हुआ था हमने, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के लिए जो वैल्यू निकाली थी वही, जो हमने रिएक्शन बनाई थी वो इक्वेशन यहाँ पे लिख दी. A नॉट इज इक्वल टू 2.03 RT NF log 10 Ks. अब यहाँ पे E नॉट सेल है. ओके, जो E नॉट सेल है वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी रख सकते हैं. तो देखो यहाँ पे इन्होंने माइनस जी रख दिया, जो NF था वो यहाँ पर पुट हो जाएगा. ठीक है, 2.303 कैसे पुट हुआ ये मैं बताती हूँ. जैसे ये है, अब हमको E नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है. E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस डेल जी अपोन में क्या चला गया, ये जो एन एफ है उसके क्या चला गया, अपोन में चला गया. अब जो ई नोट सेल की जगह हमने पूरी वैल्यू रख दी, यहाँ पूरी वैल्यू रख दी, तो जो एन एफ है यहाँ पे डिवाइड में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दी. और ये जो माइनस है हम इधर भी ले जा सकते हैं, तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लोग, और ये एन एफ से ये एन एफ कैंसल हो गया, तो लोग टेन के सी हो गया. ये जो इक्वेशन बनी है वो गिव्स फ्री की रिलेशनशिप बताती है जो EMF सेल है उसके बारे में. तो ये क्या हमारी नंस इक्वेशन की 3 एप्लीकेशन थी, EMF सेल फाइंड करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना और गिव्स फ्री एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे. ये तीनों इक्वेशन किससे बनी है, नंस इक्वेशन से. ओके, तो ये हमारी तीनों एप्लीकेशन कंप्लीट हुई.